नमस्ते फ्रेंड्स, हमारी इस ऑर्गेनॉन की यात्रा में आप सबका स्वागत है। और हमारे गुरुज की ब्लेसिंग के साथ हम एफोरिज्म नंबर 1, और आज हम सीखेंगे एफोरिज्म नंबर 2। हमने बहुत बार ये सारे एफोरिज्म्स मगअप किए हैं एग्जाम के लिए, पर आज हम उसका डीपर मीनिंग समझेंगे। तो गो विथ एफोरिज्म नंबर 2। द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। यानी हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, हनुमान सर ने जो वर्ड्स यूज किए हैं ना फ्रेंड, तो देखिए कैसे हाईएस्ट आइडियल, यानी कि सबसे ऊपर आइडियल ऑफ क्योर, कि आइडियल क्योर कैसी होनी चाहिए। हम बोल देते हैं हाँ ठीक हो गया, तो आइडियल क्योर, आइडियल मीन्स कि जो सबसे बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना हमारे लिए आइडियल है, तो वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे आइडियल किसको बोलते हैं हम, कि जो बेस्ड है, जिसका बेस फिक्स है, जिसका बेस ऑथेंटिक है। तो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, रैपिड यानी फास्ट, जेंटल, जेंटल यानी हार्मलेस, पेनलेस और कम से कम पीड़ा देने वाला। अगर हम देखें तो सपोज एक मिथ है होम्योपैथी में कि होम्योपैथी बहुत टाइम लगाती है। ये हमने हमारे कुछ समय से पहले हमारे ही जो फ्रेंड्स थे या फिर लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिट किया है कि होम्योपैथी इज ओनली फॉर क्रॉनिक डिजीज, ओल्ड स्किन डिजीज, और होम्योपैथी में टाइम लगता है। नहीं फ्रेंड्स, होम्योपैथी में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट एक्टिंग मेडिसिन। आज आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी, आई कुड से कि होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट एक्टिंग। हाउ? इन इन एनी अक्यूट डिजीज, रिनल स्टोन पेन, गोल्ड स्टोन कॉलिक, एनी हाई ग्रेड फीवर्स, न्यूमोनिया, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड, एनी अक्यूट इमरजेंसीज ऑल्सो, इवन कन्वल्जन, कार्डियक फेल्योर, एट्रियल फिब्रिलेशन, सीवियर अक्यूट बैक एक्स, एनी 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 अक्यूट कम एनी अक्यूट कंप्लेन्स, एनी अक्यूट इमरजेंसीज, इन शॉर्ट आई कैन से कि शॉक, ऑल टाइप ऑफ शॉक। फ्रेंड्स, होम्योपैथी इज अ रैपिड। आप देखिए, देखिए टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बना के देखिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स। इतनी फास्ट एक्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। सिर्फ हमें उसका सही एप्लीकेशन नहीं आने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और हम बोलते हैं इट टेक्स टाइम। नो फ्रेंड्स, इट डजेंट टेक्स टाइम। इफ यू हैव गुड इनफ नॉलेज ऑफ हनुमान सर, ऑफ ऑर्गेनॉन, ऑफ मटेरिया मेडिका एंड इट्स एप्लीकेशन, देन यू कैन क्योर एनी डिजीज लाइक दिस। कि सपोज एक केस देखिए, तो थोड़े दिन पहले ही एक बच्चा ड्यूरिंग द सर्जरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, वेंटिलेटर पर गया। वो पेरेंट्स अपने नोन थे, काफी टाइम से आते थे मेरे पास, तो आए कि मैडम ऐसा हुआ बच्चे को, ठीक है, मेडिसिन दिया और विद इन 5 आवर्स वो बच्चा पूरा बाहर निकल गया। नेक्स्ट डे ही शिफ्टेड टू जनरल वार्ड। तो फ्रेंड्स, एनी सेप्सिस, सेप्टिक कंडीशंस, आप कुछ भी लगा लो, पैरालिसिस, अक्यूट ब्रेन हेमरेज, ये सब कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन फास्टेस्ट एक्टिंग मेडिसिन है। आप जो भी अक्यूट का नाम लगा देना चाहे लगा दीजिए। जेंटल, जेंटल यानी कि लेस पेनफुल, लेस एक्सपेंसिव,
पेनफुल, यानी कि ना ही कोई इंजेक्शंस, ना ही कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पेनफुल प्रोसेस कि यहाँ से इंजेक्शंस लगाए, यहाँ से इंजेक्शंस लगाए, ना ही कोई केमिकल्स ज़्यादा। तो जेंटल यानी कैसा रहता है कि जो जिसका कोई नुकसान नहीं होता। नहीं तो क्या होता है ना कि पेशेंट कोई मेडिसिन खाया, ये मेडिसिन के बाद मेरे को एसिडिटी रह गई, ये मेडिसिन के बाद मेरी सांस फूलना कंटिन्यूस वैसा ही है, ये मेडिसिन के बाद मेरा सर दुखना हो गया। नहीं, होम्योपैथी इज अ जेंटल मेडिसिन। हम लोगों ने कोविड में काफ़ी काम किया ना, किसी भी बंदे को ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, विथ ओनली होम्योपैथिक। ये छोटे छोटे पिल्स, पॉपीसी साइड, इन्होंने इतना ब्यूटीफुली काम किया, इतना जेंटलनेस से काम किया कि पेशेंट को पता भी नहीं चले और वो ठीक हो जाए, कम से कम बहुत ही कम पीड़ा से, या फिर किसी को पीड़ा भी नहीं होना। परमानेंट, परमानेंट यानी कोई भी मेडिसिन आपने दिया, कोई भी डिजीज आपने दिया, तो महज सिम्टम्स का चले जाना वो क्योर नहीं है। परमानेंट मीन्स कि मेरी एलर्जिक राइनाइटिस या फिर मेरा पैकेज जिस कारण हुआ, वो कारण को कंसिडर करके, वो लाइफ सिचुएशन पर, आगे हम सीखेंगे पूरा ऑर्गेनॉन में कि कैसे हमें टोटालिटी बनानी है। तो वो परमानेंट, परमानेंट यानी एक बार गया फिर कभी नहीं आएगा। लोगों को हमने ये सुना कि हाँ होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, तो जड़ से ठीक करती है तो वो है परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रिस्टोरेशन यानी कि मैं अगले एफोरिज्म में हमने जैसे सुना कि हाईएस्ट मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू क्योर एज इट इज टर्म। तो परमानेंट रिस्टोरेशन मीन्स कि जो पहले था वैसा पूरा हेल्थ, पूरी एनर्जी, पूरी वाइटालिटी, पूरी हार्मोनियस फंक्शन फिजिकल बॉडी में वापस से एस्टेब्लिश होना, और रिमूवल एंड इनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। तो जो डिजीज है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाए, एनहिलेशन यानी जड़ से खत्म हो जाना, यानी पूरे डिजीज को। हम होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या करना है, पूरे डिजीज को, होल इट्स एक्सटेंट यानी कि पूरे का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक होल डिजीज को एनहिलेट कर देना, यानी कि रिमूव कर देना, यानी क्लियर कर देना इन द शॉर्टेस्ट, नॉट ईयर्स, नॉट सालों नहीं लग जाते फ्रेंड्स। अगर हमारा मेडिसिन राइट है, अगर हमारा एप्लीकेशन सही है, तो होल एक्सटेंट डिजीज को होल एक्सटेंट से क्लियर करने में, एनिहिलेट करने में सालों नहीं लग जाते फ्रेंड्स। मंथ्स इज इनफ, अनलेस एंड अंटिल फ्यू डिजीजेस विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मिक्स विथ मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिजीज एंड लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, इफ इट मिक्स मिक्स अप ऑल, देन इट टेक्स 1 to 2 years, बट नॉट सालों नहीं लगते। मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे, रिलायबल यानी जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको कि हाँ ये इट विल क्योर माई डिजीज। और जब जो भी लोग आएंगे, एक बार वो होम्योपैथी से ठीक हो गए ना, तो वो आपके ऊपर ही विश्वास रखेंगे। अगर उसको कुछ भी करना रहा, आपको फोन करेंगे, सर हम ये करें, या फिर आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है तो हम किसी और के पास नहीं जानेंगे, बिकॉज होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस एंड मोस्ट हार्मलेस वे। इसमें न चीर फाड़, अगर एप्सिस है, अगर डीपर एप्सिस भी है कि चलो सोआस मसल में एप्सिस हुआ, बोन में एप्सिस हुआ, तो हमें वहाँ कहाँ चीर फाड़ करनी है, ना हमें कोई सर्जरी करनी है, ना हमें कोई वहाँ पे बोलते हैं ना कि कोई प्रोसेस नहीं करनी है कि जहाँ पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाए, जहाँ पेशेंट का चीर फाड़ किए फिर ड्रेसिंग करे। फ्रेंड्स, होम्योपैथी इज अ वेरी हार्मलेस वे। हम मेडिसिन देंगे, वो एप्सिस अंदर से ही क्लियर हो जाएगा। हम मेडिसिन देंगे, वो टेयर हुआ मसल, वो फटा हुआ या सड़ा हुआ बोन अंदर से ही ठीक हो जाएगा। हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा सर्जरी की या एक्स्ट्रा पेन की जरूरत नहीं है। ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, हम जब भी मैं जब कॉलेज में थे तो बोलते होम्योपैथी, टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट, बट जब होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे तो पता चला कि इसके 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 जो प्रिंसिपल्स है तो बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है। सिर्फ हमें उसको समझना है सही वे से। क्या होता है ना, हम गलत वे पकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ये नहीं हुआ,
ये कैसे ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो प्रिंसिपल कोई भी इजीली सीख पाए। तो फ्रेंड्स, आगे हम पिछले हमारे जो स्टालवर्ड्स है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर है ऐसे कि जैसे डॉक्टर कैंट, डॉक्टर बोनिंग हुसैन, वो होम्योपैथ नहीं थे। वो डॉक्टर बोनिंग हुसैन, बोजर बोनिंग हुसैन, वो तो लॉयर थे, फिर भी उन्होंने होम्योपैथी को सीखा। क्यों? अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता होम्योपैथी सीखना, या फिर बहुत ही मुश्किल होता, तो क्या वो लोग सीख पाते? तो होम्योपैथी की जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल बोला है, लॉज नहीं बोला है, प्रिंसिपल यानी फिक्स्ड, कि जो प्रिंसिपल कि जो बहुत रिलायबल रहता है और एक फिक्स है कि सबके ये मोरल से आता है। एक्चुअली प्रिंसिपल हम बोलते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगी, सच बोलना, विश्वास करना, हेल्प करना, वो सब वो एक मोरलिस्टिक पार्ट है। तो बोलते इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी जिस बेस पर, जिस रूल पर, जिस जिसके ऊपर पूरा साइंस खड़ा है, वो कैसा है? इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है। तो वो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर हम पूरे ऑर्गेनल को सीख जाए अच्छे से, तो ये जो हनुमान सर ने एफोरिज्म लिखे हैं, आजकल लोग बोलते हैं कि हनुमान सर का टाइम अलग था, उस टाइम पे सब होता था, आज नहीं होता। नहीं फ्रेंड्स, आज भी वही ह्यूमन है, आज भी वही लोग हैं। आप भले ही डिजीज थोड़े एडवांस हुए हैं, पर होम्योपैथी भी तो हम डीपर लेवल पे सीख रहे हैं और डीपर लेवल पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो हनुमान सर एप्लीकेशन करते थे, तो उनकी जो लिस्ट थी, आप देखोगे अफोरिजम्स में कि उन्होंने 16 में कितने डिजीज को कंसिडर किया, ऑलमोस्ट कोराइजा टू कैंसर सब डिजीज आ गए, सब उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर किया है। तो आज हम क्यों नहीं क्योर कर सकते? क्यों? क्योंकि हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, ये पूरे एफोरिज्म में, पूरे ऑर्गेनन में हम सीखेंगे होम्योपैथिक एफोरिज्म प्रिंसिपल्स। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है, सिर्फ हमें थोड़ी अवेयरनेस दिखानी है। और फ्रेंड्स, आपको अपना थोड़ा समय लेना है ज़रूर, क्योंकि ये हमारी भगवत गीता है, ये हमारा यूजर मैनुअल है। इसको एक बार सीख जाएंगे ना, जीवन में आप रिलायबिलिटी बंद हो जाएगी आपकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेकेंड अफोरिज्म। थैंक यू।